गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। एज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री, दैट वाज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। टुडे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर सेकेंड लेसन ऑफ सिविक्स। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन, नाउ इट्स अ टर्न ऑफ सेकेंड लेसन। फर्स्ट वी आर गोइंग थ्रू द नेम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेसन? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब फर्स्ट वर्ड यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गोन थ्रू दिस वर्ड इन द वेरी फर्स्ट लेसन। व्हाट इज डाइवर्सिटी मीन? डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नताएं, डिफरेंसेस, अंतर। डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस। पढ़ चुके थे आप डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस, किस प्रकार के डिफरेंसेस, किस प्रकार की डाइवर्सिटी, किस प्रकार की डाइवर्सिटीज आपने ऑब्जर्व की थी फर्स्ट लेसन में। इन इंडिया वी हैव डिफरेंट रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्नताएं हैं, यानी अलग अलग धर्म। उसके बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप पंजाबी, तमिल, कन्नड़, देन आफ्टर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आसामी, ये क्या है फिर? लैंग्वेज का डिफरेंसेस। देन आफ्टर डाइवर्सिटी ऑफ कॉस्ट्यूम्स, आप देखते हो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग स्टेट्स में हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। देन आफ्टर डांस फॉर्म्स, डिफरेंट डांस फॉर्म्स आर देयर, आप देखते हो कि कहीं किसी स्टेट का अलग डांस है, हमारे यहाँ अलग हैं डांस फॉर्म्स, अलग अलग हैं। तो ये सारी क्या है? डाइवर्सिटीज़ हैं, ये डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं। और कई बार ये डिफरेंसेस ही, ये डाइवर्सिटी ही किसका कारण बनती है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन क्या है? किसी दूसरे के साथ भेदभाव करना, और किस आधार पर? कि हम उसके प्रति नकारात्मक सोच रखें, नेगेटिविटी रखें। अब इसका एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा, ये डिफरेंसेस डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनते हैं। अब एग्जाम्पल ले लें, हमारे मन में ये बात है कि गोरा रंग अच्छा होता है, ए फेयर स्किन इज गुड देन ब्लैक, कि अगर किसी का काला है, सांवला रंग है, उससे कैसा? वाइट और फेयर, साफ रंग है वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम क्या करेंगे? दूसरे को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो क्लास के अंदर भेदभाव, बच्चे को दूसरे को चिढ़ाएं। दूसरा, हाइट के अनुसार क्लास के अंदर कि इस, ये छोटा है, ये लंबा है, ये ठीक ना है। उसी प्रकार अगर हम खाने के हैबिट्स की बात करें, कोई किस प्रकार का खाना खाता है, कोई नॉनवेज खाता है, हम बोलते नहीं नॉनवेज खाना अच्छा नहीं है, ये ख़राब है, इसके साथ बैठना नहीं चाहिए। तो ये सारे क्या है? डिफरेंसेस हैं हमारे, क्योंकि फूड हैबिट्स भी अलग अलग होती हैं। तो उसके अनुसार हम जो उन डाइवर्सिटीज के अनुसार डिस्क्रिमिनेशन, दूसरे के साथ थोड़ा सा हम दूरियां बना लें, वो क्या है? भेदभाव बना लें, वो क्या? डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके अगर हम पढ़ें तो देर आर मेजर टू रीजंस, महत्वपूर्ण कारण क्या है? एक इस बुक में आप पढ़ोगे तो आपके वर्ड आया है प्रिजुडिस। व्हाट इज प्रिजुडिस? एक नेगेटिव ओपिनियन, ए नेगेटिव ओपिनियन अबाउट समवन हु इज नॉट लाइक अस, वो व्यक्ति जो हमारे जैसा नहीं है उसके प्रति हमने एक नकारात्मक भाव पैदा कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि आप राजस्थान में हैं एंड यू स्पीक मारवाड़ी, मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, आपको अच्छी लगती है, और वैन एवर यू गेट द चांस टू मूव टू हरियाणा, आपको हरियाणा जाने का चांस, मौका मिले, तो वहाँ की लैंग्वेज आपको लगे थोड़ी रफ है, तो आप क्या मानते हैं? एक नेगेटिविटी आ जाएगी कि हरियाणा के लोग तो अच्छे नहीं होते, उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। तो क्या है? हमने नेगेटिव ओपिनियन पैदा कर ली, यानी कि हम वहाँ के लोगों से अच्छे हैं, वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते। एक और एग्जाम्पल, रिलीजन के नाम पर हम कई बार किसी पार्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं कि इस रिलीजन में बहुत सारी कमियाँ, इस रिलीजन के लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं विच आर टोटली नेगेटिव और डिजास्ट्रियस, जो विनाशकारी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के, और पार्टिकुलर रिलीजन से जुड़ी हुई हैं, फिर हम क्या मानते हैं? इस रिलीजन के लोग अच्छे नहीं होते। तो हम फिर उसके साथ क्या करेंगे? ये हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी और बन गई कि दिस रिलीजन इज नॉट गुड।
जबकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो हमारे यहाँ क्या होता, धर्म किसी को भेदभाव नहीं सिखाता, किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि आपस में लड़ाई करें। लेकिन हमारे अंदर नेगेटिविटी क्यों आई, क्योंकि हमने देखा कि मेजोरिटी में किसी रिलीजन से लोग किसी इस तरह की एक्टिविटी से जुड़ गए। इसी प्रकार अगर आप गाँव में रहते हैं तो शहर के बारे में आपकी क्या हो सकती है कि वो तो एसी के अंदर एयर कंडीशन के अंदर लेजी, थोड़े से आलसी लोग होते हैं, शहर का जीवन आसान, उन्हें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, गांव के लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, कि ज़्यादातर फार्मिंग में जुड़े होते हैं। तो उसके साथ साथ शहरों के लोग पढ़े लिखे हैं और गांव के लोग ज़्यादातर इग्नोरेंट, अज्ञानी, अनपढ़ हैं। फिर हमने क्या पैदा कर ली, गाँव के प्रति नेगेटिविटी क्या, गाँव के अंदर लोग इग्नोरेंट हैं, ज्ञान नहीं है उनको, शिक्षा ग्रहण नहीं किया, उनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, जबकि ऐसा नहीं होता, गांव में भी लोग पढ़े लिखे होते हैं। उल्टा हमने शहर के बारे में एक प्रिजुडिस क्या बना ली, एक नेगेटिव ओपिनियन क्या बना ली कि वहां के लोग आलसी होते हैं, फैसिलिटीज ज़्यादा है, ईजी है वहां की लाइफ, लेकिन वहां भी इतना ईजी नहीं होता, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये है नेगेटिव ओपिनियन, ए नेगेटिव ओपिनियन अबाउट समवन हु इज नॉट लाइक अस इज प्रिजुडिस। और दूसरा है स्टीरियोटाइप, ए पार्टिकुलर ओपिनियन अबाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल। अब एक ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव अबाउट समवन हु इज नॉट लाइक अस, लेकिन इसमें नेगेटिविटी भी हो सकती है और पॉजिटिव भी है। स्टीरियोटाइप क्या होता है, एक फिक्स किसी के बारे में ओपिनियन बना लेना, एक पूरे ग्रुप के बारे में ओपिनियन बना लेना। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले छोटा सा, आपकी क्लास का ही, तो आप क्लास के अंदर ये मानते हैं कि, या फिर टीचर ये मानते हैं कि लड़कियां हमेशा ज़्यादा पढ़ती हैं, ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो हमने सभी लड़कियों के बारे में बात की, वो शरारती नहीं करती, दे आर नॉट नोटी, वो शरारती नहीं होती, लड़कियां शरारती कम होती हैं। तो ये क्या स्टीरियोटाइप है, एक अवधारणा बना ली गई कि लड़कियां शरारत नहीं करती, पढ़ाई में अच्छी होती हैं। क्या लड़के बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो लड़के भी तो पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार हमने अवधारणा बना ली, लड़कियां हमेशा पढ़ाई में अच्छी होती हैं और शरारतें नहीं करती, और उसके उल्टा बॉयज आर नोटी कि लड़के शरारती होते हैं। तो एक अवधारणा बना लेना, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसमें इनके लिए तो पॉजिटिव था, किसके लिए, गर्ल्स के लिए कि वो शरारतें नहीं करती, बॉयज के लिए थोड़ा नेगेटिव हो गया। लेकिन एक पॉजिटिविटी और देखें, एक एग्जाम्पल और, हम ज़्यादातर ये मानते हैं गर्ल्स आर वीक इन मैथमेटिक्स, लड़कियाँ ज़्यादातर कमज़ोर होती है मैथ्स में, जबकि बॉयज़ आर गुड एट मैथमेटिक्स। तो इसमें देखो पॉजिटिविटी कहाँ आ गई, कि बॉयज़ के लिए पॉजिटिविटी है, वह नेगेटिविटी है। तो दोनों हो सकती है, ये हमेशा किसी दूसरे के बारे में जो हमारे जैसा नहीं है वो नेगेटिव ही है। और दिस बिकेम द रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और ये इस प्रकार के अंदर इस प्रकार की भावना है, भेदभाव का कारण बनती हैं। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट देन राइट इन कॉमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द आंसर्स। वी विल कंटिन्यू विद दिस वेरी सेम टॉपिक and with very same lesson in the next class. Thank you and have a nice day.